जब खाना हो कुछ चटपटा, नाश्ता भूख लग रही हो छोटी मोटी, वो गर्मी हो, सब्जी रोटी बनाने का मन नहीं करे तो बनाए मस्त चटपटा गेहूं के आटे से नाश्ता बनाएंगे। तो हमने अभी यहाँ पर एक टमाटर लिया है, एक प्याज लिए छील लिया इसको, एक आलू लिया बिल्कुल छोटे साइज का, एक हरी मिर्ची, थोड़े से हमने लिए ये कड़ी पत्ते। सबसे पहले हम जो आलू है इसे आलू को छील लेते हैं। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है दोस्तों, फटाफट बन जाता है, बच्चों को भी पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा। और जब लग रहा हो कि फटाफट कुछ बना के खाना है तो ये सबसे जल्दी बन जाता है। और ये देखिए, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए। आलू छिल गया है, अब आलू को हमें काटना पड़ेगा, तो आलू को काट देते हैं छोटा छोटा। ये देखिए क्या बस आलू कट गया है, और ये हम प्याज भी काट लेते हैं, थोड़ा रफली काट लेते हैं इसको इस तरीके से। ये देखिए नाश्ते के साथ में एक मजेदार चीज हो तो मजा आ जाता है ना। सॉस तो क्या, रोज सॉस के साथ खाते तो फिर ऐसा लगता है कि मज़ा नहीं आया। चलिए अब क्या करते हैं, एक ठंडा पानी लेते हैं, चिल्ड पानी लेना है, और आलू और प्याज इसमें डाल लेने हैं। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो दोस्तों, कौन से शहर से देख रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। इसे थोड़ा सा रगड़ लेंगे इस तरीके से। अगर ये ठंडा पानी इसलिए यूज़ किया जाता है दोस्तों, क्यों ये जो आलू है ये बाद में काला नहीं पड़े इसलिए, और प्याज की जो स्मेल है थोड़ी सी वो कम हो जाती है। ये लीजिए, और अब इसमें हम क्या करते हैं, टमाटर को काट लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से रफली काट लेते हैं टमाटर भी। अब इसको रख देते हैं अभी हाल फिलहाल साइड में, और ले लेते हैं हम, ये ले लीजिए एक बर्तन ले लेते हैं, इसके अंदर एक कप डालते हैं गेहूं का आटा, वजन है इसका 150 ग्राम, साथ में इसमें 2 चम्मच बड़ी सूजी डाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे हम 8 से 10 पिंच हींग, ये देखिए इतनी, थोड़ा सा चाट मसाला, 8 से 10 पिंच ही गरम मसाला, थोड़ा सा कच्चा जीरा डालेंगे, स्वाद बढ़ा देगा, फ्लेवर बढ़ा देगा, हरी मिर्ची डाल देंगे इसके अंदर 2 छोटे साइज की बारीक कटी हुई, इसमें काफी बड़े साइज की प्याज डाल देंगे बारीक काट के, हरी मिर्च की, हरी मिर्च हमने डाल दी तो हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे इसमें, बच्चे फिर खाएंगे नहीं, तो ये इसमें हल्दी डाल देते हैं, हल्दी ज़्यादा नहीं डालें, एक छोटा चम्मच या 8 से 10 पिंच आप ले सकते हैं। नमक डाल देते हैं उसमें हम बिल्कुल 1 छोटा चम्मच, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, और डाल देंगे इसमें आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और मेन चटकारे के लिए काला नमक 8 से 10 पिंच, और इसको अब मिला लेंगे। और आप चाहें तो इसके अंदर लाल मिर्च डाल सकते हैं। चलिए अभी बाद में हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे थोड़े से, वो ये मोटी प्याज हटा देते हैं इसके अंदर से, ये भी मोटी है, रह गई है, काटते समय रह जाती है ना नीचे दोस्तों। ये लीजिए इसे मिला लिया हमने, अब इसमें डाल देते हैं हम 4 से 5 चम्मच दही, फ्रेश दही डाल देंगे, ये लीजिए
चार से पांच चम्मच दही मिला लेते हैं इसको। दही को अच्छे से मिला लेंगे। ये दही इतना होना चाहिए, आटा जैसा आपका आटा लग जाना चाहिए। अब इसमें डाल देंगे पानी, तो आधा कप पानी डालेंगे पहले और आधा कप पानी डालकर मिलाएंगे। फिर आधा कप डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, और कुछ आप इसमें डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब ये लम्स हमें इसमें नहीं रखने हैं, क्योंकि ये डले बनेंगे, क्योंकि दही मिलाने के बाद पानी डाला हमने। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए अच्छे से मिला लिया, लम्स नहीं है। बाद में हमने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला था। ये अच्छे से इस तरीके रखना है। अब इसमें अभी इस कुछ भी नहीं करना, अभी बाद में करेंगे। इसको रख देते हैं ढककर 10 से 15 मिनट के लिए। अब मीडियम मिक्सी का जार ले लेते हैं। जार के अंदर हमें डालना है ये आलू और प्याज, इसके अंदर डाल देंगे। इसमें डाल देंगे ये एक डंडी डाल देंगे कड़ी पत्ते की पहले यहां। एक हरी मिर्ची डाल देंगे काटकर। और टमाटर काटे थे हमने, वो टमाटर डाल देंगे इसमें। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा एक छोटा चम्मच, थोड़ी सी हींग, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, काला नमक एक छोटा चम्मच थोड़ा सा डालेंगे इसमें, चाट मसाला 8 से 10 पिंच, गरम मसाला एक छोटा चम्मच, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको बढ़िया से पीस लेते हैं। ये देखिए इसको हमने पीस लिया है। और ये देखिए हल्का सा दरदरा रखना है, तो इसमें थोड़े टमाटर ही रहे हैं बस, ज़्यादा तो नहीं है। और अब यहाँ पर हमने पैन चढ़ा दिया है, पैन में डालते हैं एक छोटा चम्मच तेल। तेल को होने देते हैं गरम, और तेल गरम होते ही इसमें डालेंगे हम दोस्तों एक छोटा चम्मच राई, थोड़ा सा जीरा डालेंगे 8 से 10 पिंच, साथ ही कड़ी पत्ते, ज्यादा तेल गरम होने से पहले थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देते हैं। एक छोटा चम्मच चना दाल डाल देते हैं। अब इसको ज्यादा अपने को जलाना नहीं है, हल्का सा तड़का लगाना है बस। दाल बॉईल करी नहीं है मैंने, कच्ची दाल है, और थोड़ा सा इसको कपड़े से पोंछ लिया था। सीधा सिंपल हमने जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे इसके अंदर।
हल्दी हम डाल चुके थे, लाल मिर्ची डालेंगे एक छोटा चम्मच, हींग डालेंगे थोड़ी सी, दो चम्मच दही डालेंगे, मिला लेंगे, अब थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार ले सकते हैं आप। अब देखिए आटे के नाश्ते के साथ में कुछ तो चाहिए ना हमें खाने के लिए, अब ऐसे रूखा रूखा खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। ये है देखिए, अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं, गैस को लो फ्लेम पे करते हैं और दो मिनट इसे लो फ्लेम पे चला लेते हैं। अब आप यहाँ पर गरम मसाला की जगह आप जैसे काली मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर ये सफिशिएंट रहेगा। और आप चाहे तो इसमें थोड़ा टमाटर सॉस डाल देंगे तो बहुत बढ़िया बैलेंस हो जाएगा। आज टमाटर सॉस देखा भी शीशी में, नीलबट्टा सन्नाटा हो गया है। ये लीजिए, इसमें एक उबाली आने देते हैं बढ़िया सी, ये देखिए एकदम थिकनेस देखिए मस्त वाली है। हाय हाय हाय, क्या बात है, कलर भी दोस्तों काफी अच्छा आ गया है दही की वजह से। ये दो मिनट इसे चला लेते हैं। अब देखिए ये है, ये देखिए उबाली आने देते हैं एक, ये देखिए उबाली आ गई है, गैस को देखिए करते हैं बंद। अब आप इसके ऊपर आप चाहें तो नींबू निचोड़ सकते हैं और बढ़िया टेस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन है ना पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हल्का ठंडा करके नींबू निचोड़े, वरना स्वाद खराब हो जाएगा। लीजिए इसको खा लेते हैं हम, इसमें यहां पर खाली, वाह क्या सोंधी सोंधी मस्त खुशबू आ रही दोस्तों। और कहां से वीडियो देख रहे हो दोस्तों अभी भी बता दो, और मस्त मजा आने वाला है आज। चटपटी ये चीज तैयार है, और इसमें थोड़ा सा धनिया गार्निश कर देते हैं हम, ये लीजिए, और बाद में हल्का ठंडा होने के बाद इसमें हम नींबू निचोड़ देंगे। और अब बनाते हैं हम गेहूं के आटे का हमारा बढ़िया कुरकुरा नाश्ता। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं, एक बार इसे मिला लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं हरा धनिया काफी सारा, हेल्दी होता है और गर्मी में तो मजेदार ही होता है। ये लीजिए मिला लेते हैं, अब इसमें डाल देते हैं आधा हींगों का पाउच, 2 ग्राम आता है, आधा ग्राम 1 ग्राम डालना है इसमें, और मिला लेना है। अब ये थोड़ा सा फूलेगा, आप चाहे तो इसमें पूरा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा कम लग रहा है दोस्तों, 1 ग्राम नहीं हुआ है, अब हुआ 1 ग्राम, मिला दिया। ये लीजिए मिला लिया, अब यहां पर हमने चढ़ा दिया है मस्त बड़ा पैन, आपका छोटा हो तो आप छोटा भी ले लेना, थोड़ा सा इस पे तेल स्प्रेड करते हैं इस तरीके से, तवे के हाथ लगा के देखना, अगर गर्मास आ रही है तो ठीक है, गैस देखिए लो फ्लेम पे रखनी है। अब देखिए इसमें से इसे लेना है और यहां डाल देना है, ज्यादा बड़े और ज्यादा आप अपने आप हिसाब से पूरा भी बना सकते हैं, मैं इनको ऐसे करके डालने वाला हूं। ये देखिए ऐसे क्या होगा, थोड़ा पलटने भी आसानी रहेगी और ये अच्छे से पक भी जाएंगे। अब बस इनको धीमी आंच पे हम करीब करीब 3 मिनट ऐसे पकने देंगे,
उससे पहले क्या करेंगे, इस पे थोड़ी सी कलौंची डाल देंगे, इससे थोड़ा सा ये सुंदर लगेगा ये। और इसकी जगह आप काले तिल भी यूज कर सकते हैं, वो भी ज्यादा बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। और अब देखिए, अगर बच्चों को चिली फ्लेक्स पसंद नहीं है तो आप ये चिली स्किप कर सकते हैं, पर थोड़ी सी होनी चाहिए, कोई लाल मिर्च हमने डाली नहीं है, ये डाल देते हैं हम। और ये तीखी वाली नहीं है, कश्मीरी आती है ना दोस्तों, वो है ये। और ये मैंने अभी कूट के बनाई है, बाजार वाली नहीं है ये। ये लीजिए, इस थोड़े थोड़े ऐसे डाल के, अब इसको जैसे थोड़ी देर हो जाए तो इसको थोड़ा सा ऐसे इकट्ठा करना है, इससे क्या सुंदर सुंदर सुशील वाला शेप आएगा। ये देखिए क्या बात है, अब कहीं गैस कम लगती कहीं ज्यादा लगती तो थोड़ा सा पैन को हिला लेंगे हम। फिर इधर कर दिया, फिर इधर कर दिया, और थोड़े से तेल के छींटे मार देते हैं इस तरीके से। अब इसे 3 मिनट अच्छे से नीचे से बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देते हैं। आपको अगर जल्दी है तो गैस को हाई फ्लेम पर करके आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, तभी होगा। जैसे ये थोड़ा सा इधर आगे भागे, ये ऐसे कर देना है। तीन मिनट हो गए हैं दोस्तों, अब देखिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, देखिए मस्त। ये लीजिए, आय हाय हाय दोस्तों क्या बात है, बच्चे खुश, बच्चों की मम्मी खुश, और बच्चों के पापा भी खुश, और मेहमान आ जाए तो मेहमान के बच्चे भी खुश। क्या बात है, क्या कलर आया, वाह मजेदार। अब 3 मिनट इसको भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे, थोड़ा सा बस हमें ऐसे थोड़ा दबाना है इसे। वाह चलिए 3 मिनट इसे भी पका लेते हैं, इसको हमने ऐसे चला चला। अब देखिए आपको मुलायम खाना है तो आप इसे कम देर पकाएं, और अगर क्रिस्पी खाना है तो आप इसे ज्यादा देर पकाएं। चलिए एक बार और पलट लेते हैं, क्या बात है दोस्तों मजेदार। चलिए अब इसको 3 मिनट और पका लेते हैं हम। तेल आपके ऊपर है कितना आपको लगाना है, वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा तेल इस तरीके से डाल देता हूं, और इसको थोड़ा ऐसे चलाते रहना है। ये देखिए ऊपर से काफी क्रिस्पी हो गया है, अब नीचे से और करना है, बस थोड़ा सा में समय लगेगा, 3 मिनट और अंदर से एकदम मुलायम। जब खाएंगे इसके साथ तो आ जाएगा मजा। देखिए दोस्तों हो गया है, एक बार और पलट लेते हैं। ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो गया इधर से भी, आहा। और अब थोड़ा सा दबा लेते इस तरीके से, ये लीजिए निकाल लेते हैं। डाल देते हैं इसमें, पर पहले थोड़ा सा तेल स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। अब की बार एक डालेंगे बीच में बड़ा, और छोटे छोटे डालेंगे साइड में,
थोड़ा पकने देते हैं इनको 3 मिनट लो फ्लेम पर। थोड़ा सा तेल इस तरीके से डाल देते हैं सभी पर। और अपना सीधा सिंपल इसको इस तरीके से खट्टा करना है। अगेन डालेंगे इस पे अपने वही कलौंजी। और चिली अब लो फ्लेम पर 3 मिनट इसे पकने देते हैं। तो इस बार दोस्तों हमने नीचे से थोड़ा ज्यादा क्रिस्पी कराया था 3 मिनट की जगह रखा 4 मिनट लो फ्लेम पर। अब क्या करते हैं, ये देखिए इजीली पलट जाएंगे, ये लीजिए। बड़ा वाला, हाय हाय। अब इनको एक बार और नहीं पलटना है, बस काम हो गया। अब 3 मिनट बस थोड़ा दबा देते हैं जिससे जो चीज़ें डाली वो चिपक जाए अच्छे से। लो फ्लेम पर 3 मिनट और इसे पका लेते हैं। ये भी तैयार है दोस्तों, दही डाला था उसकी मस्त खुशबू आ रही है, निकाल लेते हैं। ये बढ़िया क्रिस्पी हुआ है। देखिए गैस को बंद करना तो भूल गए। ये देखिए तो फ्रेंड्स दोस्तों, ये कुरकुरा नाश्ता आटे का, वो भी आटे का मजेदार, साथ में हमारे साथ है चटनी इसके साथ खाने के लिए। तो रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। ऐसी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल पर अभी काफी रेसिपी, उन्हें देखिए, बनाइए, खिलाइए और तारीफ पाइए, क्योंकि जो मजा खिलाने का है वो खाने का नहीं है। तो चलिए आज जो बनाई है मस्त बढ़िया कुरकुरी गेहूं के आटे से बनी हुई नाश्ता रेसिपी खाकर खत्म करते हैं बच्चों के साथ।